क्योंकि और हाँ 14-15 तक मेरा वेट थोड़ा बढ़ने लगा था पीसीओडी का ना, तो ये भी सच है, शायद मिस्टर मालवीय नहीं बताना चाहते, इनके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा था कि मत शादी कर, तुझे इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिरी दिन जब बारात जाने वाली थी, मेरे दिमाग में इतना टेंशन था और मेरा मन था कि नहीं करूंगा शादी, क्योंकि मुझे जब तक पूरी ना है लगा दूं मैं। सो गाइज वेलकम बैक टू योर चैनल। तो दोस्तों फोर्थ पार्ट थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे दांत में दर्द था, बोल ही नहीं पा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, पेन किलर लिए हैं। तो दोस्तों रिकैप के लिए नीचे तीनों लिंक दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं खुद भूल गया, हालांकि थर्ड पार्ट तक ये था कि फाइनली हमारा बिछड़ना मिलना बिछड़ना मिलना बिछड़ना मिलना कंप्लीट हो चुका था और अब हमने डिसाइड कर लिया था 2013 एंड तक कि हमें एक दूसरे से ही शादी करनी है। तो पहले क्या प्रॉब्लम्स आई उसे बताने से पहले बता देते हैं कि उस टाइम हमारी करियर के क्या स्टेटस थे, ये क्या कर रहे थे और हाँ। मैं क्या कर रही थी। 2014 स्टार्टिंग की बात कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे 13-14 में? देखो मेरी जॉब लगी थी 2000, मैं उस समय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भोपाल में जॉब कर रहा था एज ए नेटवर्क इंजीनियर। और रचना एमटेक कर चुकी थी, मेरा एमटेक कर एमटेक 13 में ऑलमोस्ट हो गया 13 था, हो गया था। थीसिस का हाँ। वाइवा बचा था, तो मैंने एज अ लेक्चरर कॉलेज कर ज्वाइन लिया किया था, था। आरके डीप कॉलेज था एससीएल की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भोपाल भोपाल लोकेशन पे ही जॉब करने लगा था। तो तो पहले उस समय हमने डिसाइड कर लिया था, मन बना लिया था आपस में कि अब हम शादी करेंगे। जो हमारे पास चैलेंजेस थे कि हम दोनों की फैमिली को मनाना, क्योंकि बोथ आर फ्रॉम अ टू डिफरेंट बैकग्राउंड, हमारे दोनों की लोकेलिटी रचना नीमच के तरफ से थी, नीमच के पास से थी, मंदसौर से है जिसकी फैमिली है, मेरी फैमिली होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, और थोड़ा सा कल्चर अलग हो जाता है, ये मालवा एरिया वो थोड़ा सा होशंगाबाद का नर्मदापुरम एरिया, तो वो एक कल्चर अलग था। वो इसलिए बता रहा हूँ बेसिक में कि हमको क्यों डिफरेंट ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। हाँ, आप मतलब मैं बताओ। फॉर एग्जाम्पल एक बता देती हूँ, जैसे हमारे यहाँ मेहमान को दाल बाफले दाल बाटी इम्पोर्टेंट होता है, ये नहीं खिलाया तो मतलब मेहमान को आपने आदर सत्कार नहीं नहीं किया। दिया इनके यहाँ पूरी और सब्जी पूरी नहीं, सब्जी दाल बाटी दाल क्यों खिलाई, चावल। पूरी हाँ, सब्जी क्यों नहीं खिलाई। तो तो ये कल्चर डिफरेंस अलग फॉर था, कल्चर एग्जाम्पल दिया है कल्चर मैंने था। कि इनके हाँ यहाँ पूरी सब्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने दाल बाटी या दाल बाफले हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। रचना का थोड़ा राजस्थानी कल्चर आ जाता है। साल से हाँ पापा भोपाल में बीएचएल में जॉब करते थे, ये भी एक डिफरेंस था कि मेरे पापा वर्किंग थे, मेरी दीदी जिया जी भैया भाभी सभी ऑल वर्किंग आउट वर्किंग कल्चर थे, से, और जीजी जिया जी इसके गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। गवर्नमेंट है, हाँ पापा बीएचएल में है, पापा का फ्रेंड सर्कल सब थोड़ा सा चेंजेस थे। हाँ हम कभी रेस्टोरेंट में मिलते थे, जैसे कि आईसीएच जो आईसीएच पिपलानी हमारा। में हाँ है वहां, हाँ मतलब मैं जॉब से आती थी, मैं इनका वेट करती थी, मेरी जल्दी छुट्टी हो जाती थी, फिर ये आते थे, वहां हम बात के डिस्कस करते थे कैसे कि मनाना कैसे है, क्या मनाना है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम इन आएगी, थ्रू आउट ये 6 महीने चलता था बस। आईसीएच गवाह है हमारी जर्नी का कि हमने वहां का वहीं बैठ स्टाफ अभी भी के हमको अगर और वीडियो हो तो हम मिलता। आपको दिखाते, मतलब वो जब भी आते हैं यहाँ जरूर, ये अंकल और थे वो लंबे थे, मिलन चले गए थे, आपको उधर बिठा देती हूँ, फील वहाँ टीवी की लगी है। यहाँ हम मोस्टली आईपीएल के समय ये ऐसा नहीं है, टीवी पे हमेशा मैच ही चलता रहता था, मैं इसलिए बंदे को यहाँ बिठा देती थी कि ये टीवी ना देख पाए, मुझसे बात करे, और टीवी के बाद ये बंदा मोबाइल पे शादी से पहले कैंडी क्रश खेलता रहता था, पहले खेलता था कैंडी क्रश मेरे साथ होते हुए भी तब भी ऐसी हरकतें थी। और एक मेरा वहां मैं रोई भी हूँ, वहां हम हंसे भी हैं, हमने प्लानिंग की है, फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, सब कुछ लिए, तो अब टाइम वेस्ट ना करते तो हुए कहीं भी घूमने जाते थे तो रचना की एक्टिवा वहां खड़ी होती वहीं थी, खड़ी और होके मेरी मैं बाइक रख के से फिर जाती। हम जैसे मॉल में मूवी देखने गए ये कहीं भी जाते थे तो वो गाड़ी वहां रखते तो थे, तो मैं वो चाहूंगी इसको होता था। मालवीय जी पहले आप बताएं कि आपके पेरेंट्स के तरफ से क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या वो किस चीज के लिए वो मना कर रहे थे, फिर मैं बताऊंगी। दोस्तों मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी किसान हैं और पूरा खानदान ही किसान है हमारे यहाँ, कोई ऐसा मेरे दादा चाचा चाची जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई सर्विस क्लास नहीं है, सिर्फ किसान है। तो मम्मी ने जिद करके वो अलग कहानी है कि हमको कैसे पढ़ाया, बी कराई, कैसे मम्मी ने अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करी, माँ गांव से दूर अटके रहे, वो कभी आप कहोगे तो वो कहानी अलग है। तो मैं अकेला जो था, मैं पूरे खानदान में जो कि चाचा पापा के 4 भाई थे उनके बच्चों में मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, और
बाहर जॉब करने लगा था, बस बाकी सब किसान थे। तो एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि अभी तक किसी ने ऐसी कभी लव मैरिज या इंटरकास्ट तो छोड़ो लव मैरिज ही नहीं करी है, और तो ये कोई सोच नहीं सकता। तो मैंने जब बोला मम्मी को कि मम्मी मुझे रचना करके एक लड़की है, मुझे पसंद है, तो मुझे उससे शादी करनी है, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, दोनों के सपने एक जैसे हैं और दोनों पढ़े लिखे हैं, तो हम दोनों को, क्योंकि मुझे जो मेरी सोच थी कि हमको ऐसी लड़की चाहिए जो कि साथ में कमाए, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, साथ में पैसा कमाए, साथ में एक दोस्त एक जैसे फ्रेंड जैसी सोच के साथ बढ़ेंगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। तो इतना बाकी तू बता, मैं फिर बताता हूँ। तो क्या चैलेंजेस हुए? हाँ, मेरे ये सोच तो ये बताया मम्मी को मैंने कि ऐसा ये लड़की इसलिए मुझे पसंद है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं देखो, हम गांव में रहते हैं, गांव में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है, भग जरूर गए, मतलब कभी किसी ने ऐसे मैरिज नहीं करी है, और हमको लोग क्या कहेंगे, हमने तो हमारे पहले लड़के की शादी अगर ऐसी होगी तो हमने तुम्हें गांव शहर में पढ़ने के लिए भेजा था भोपाल में, कि तुम्हें ये सब करने भेजा था, अभी तुम्हारी जॉब ही शुरू ही हुई है, तुम ये सब बातें करने लगे। सही ठीक थे वो भी, क्योंकि उन्होंने वैसा कल्चर देखा होगा, कई बार ऑलरेडी बोल चुका था। फिर मैंने एक बार फाइनल बोला कि मम्मी देखो मुझे तो इससे ही करना है ना, क्योंकि हमारी बहुत अच्छा जमता है, मिलता है, सब कुछ अच्छा है, ये रही लड़की, एक बार फोटो देख लो, इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ऐसी कोई लड़की अपने समाज में मिलती, अपने आसपास कहीं मिलती तो मैं उससे रेडी हूँ, अगर नहीं मिलती है तो मुझे फिर इससे करना है। ऐसा मम्मी को मैंने एक बार बोले, कोई ऐसा बगावत नहीं करी, कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि उनको भी हर्ट हो, तो ऐसा उनको जेन्युइनली बोल दिया था मैंने। और हमारा ये शुरू से क्लियर था कि हम भाग कर नहीं करेंगे, किसी के अगेंस्ट जाके नहीं करेंगे, करेंगे तो दोनों के घर वालों फैमिली पेरेंट्स की रजामंदी से ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब मेरे साइड आ जाते हैं, मेरे फादर थे नहीं, मम्मी मेरी शादी की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो मेरी दीदी के ऊपर थी, और तो मेरे भैया भी है मेरे, वो मोस्टली बाहर जॉब करते थे तो उतना नहीं था, तो दीदी के ऊपर थी, दीदी को लेकर टेंशन थी, बट दीदी मेरी 6 साल का गैप है तो मुझे समझती थी, तो मैंने उन्हें बोल दिया था। अब बात थी कि दीदी जिया जी को ही सब कुछ करना था, जिया जी बहुत सामाजिक हैं, वो समाज को मानते हैं, वहाँ जाते आते हैं, तो जितने भी पापा के अब जो रिश्तेदार हैं, बुआ फूफा जी, अंकल आंटी, जितने भी लोग हैं, जिया जी को ही सबको मनाना है, और हमारा चैलेंज था जिया जी को सबसे पहले मनाना, दीदी जिया जी को इनफैक्ट। तो दीदी ने कहा था मैं देखूंगी कि लड़का क्या करता है, क्या जॉब है, कैसा घर है, क्योंकि कोई भी लड़की के घर वाले होंगे फाइनेंशियल स्टेटस जरूर देखेंगे, और देखना भी चाहिए। तो जनवरी के बाद जून में मेरी दीदी ने कहा ठीक है अब सभी लोगों को लेके हम जाते हैं, मनोज जी के गांव जाते हैं, उनका घर देखते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये तो पता चल गया था। मार्च में पहले मेरे जिया जी आए थे, वो मनोज से मिले, उन्होंने अकेले जाके सारी बातें करी, आधा एक घंटा साथ में बिताया, दीदी भी आई थी बीच में, वो भी मिली, उन्हें ये पसंद आ गए थे, लेकिन फैमिली को जानना बहुत जरूरी था। तो फिर जून में इनके परिवार वाले, इनके 10-15 फूफा जी, चाचा, जो भी दूर के स्थान है, दीदी जिया जी गए थे। तो ये लोग हमने मतलब कि मेरी मम्मी को भी मैंने मना लिया था ऑलमोस्ट यही कह के, क्योंकि 6 महीने हो गए थे नहीं मिली मम्मी एक बार, रचन तो वैसे मम्मी मिली थी कि नहीं मिली? मुझसे मम्मी नहीं मिली। हाँ, तो नहीं मिली, मगर मैंने मना लिया, उनने भी कहा चलो ठीक है लड़का कह रहा है तो। पापा भी मान गए थे, पापा एक बार आए थे घर, मुझे देख कर चले गए थे, इनकी मौसी आई थी, इनकी दूर की दीदी है वो आई थी, वो सब मुझसे मिलके चले गए थे घर, मात ही होती घर परिवार देखने आए थे, वो देख चुके थे। अब बारी हमारी थी इनके गाँव जाने की, जून तक ये जो हुआ उसके बाद रचना, मैं नहीं आई थी, रचना की फैमिली और हम एक गाड़ी करके मेरे गांव गए थे जो कि भोपाल से 110-120 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हमारा गांव जैसे हमने था किसान है, तो वो अभी भी छत नहीं डली है, जो पुराने घर होते थे, नहीं बताऊं कभी पुराना घर है, क्योंकि मम्मी पापा को लगता है कि हमको यहाँ तो रहना है नहीं, तुम लोग सेटल होके तो आएंगे, मगर वो कहते कहते उसको 10 साल हो गए, मगर वो अभी भी खेती कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, ना भी छत है और ना ही जैसा होता है टिपिकल जो पुराने गांव होते हैं वैसा ही घर है। तो जब मेरे घर वाले वहां से होके आए तो मेरे जिया जी ने ना कर दी थी, उन्होंने कहा नहीं सॉरी, दीदी को बताया कि ऐसा ऐसा घर है, ऐसा उनका है, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे सकते, रचना को वहां शादी नहीं कर सकते, बिल्कुल मैच नहीं है। फिर मैंने दीदी से बात की, मैंने कहा दीदी प्लीज मुझे करना, दीदी का नहीं पापा होते तो भी वो नहीं करेंगे ना, पक्का घर है,
वहाँ रहते इतने साल, मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड़के की 20-25 हजार की जॉब के दम पे कैसे किराए के घर में रहता है। छोटे भाई की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, माँ बाप की जिम्मेदारी, कोई परमानेंट जॉब तो थी नहीं, खेत थोड़ा बहुत, मतलब बहुत। मैंने दीपू कहा जी प्लीज सोच लो एक बार, और कुछ हो सकता है ये वो। फिर दीदी आई, दीदी ने मनोज से बात की, तो दीदी ने कहा ठीक है मैं आपके सामने एक शर्त रख रही हूँ, और वो शर्त ये है कि आप क्योंकि अभी भोपाल में जॉब कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2 BHK भोपाल में घर लेना पड़ेगा। एक घर तो होना चाहिए, एक पक्का घर अगर आपके पास होगा तो ही हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और मैंने जो मम्मी और हमने मिलके एक चीज में मिस कर गया कि दूसरे जो रिश्तेदार है गांव के लोगों को हमने ये नहीं बताया कि इंटरकास्ट कर रहे हैं। हाँ ये मैं बोलने वाली थी, जब मेरे घर वाले इनके यहाँ मिलने गए थे तो सबको पता था कि समाज में हो रहा है, लेकिन कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा चलता आ रहा है, अभी भी चलता है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि प्रॉब्लम ये थी कि ये मुझसे अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं लोअर कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो कास्ट एक बहुत इशू था। और जहां तक मुझे बताए, स्टार्टिंग में पापा को भी मम्मी नहीं बता रही थी कास्ट के बारे में, दूर के सेम कास्ट ये कह के। हमने मोस्टली सभी शादी तक सिर्फ घर के 10-15 लोगों को पता था कि दिस इज, पर मेरी दीदी ने मनोज को क्लियर कह दिया था कि कोई भी चीज छुपी नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी हमारी तरफ सब सच के दम पे होगा जो होगा। इंटरकास्ट है तो है ना। और इनके यहाँ मैं बता देती हूँ, बहुत देखिए इनके यहाँ ये रूल है कि जो दुल्हन के घर वाले हैं पूरा अरेंजमेंट वही करेंगे, पूरी शादी का खर्चा सब कुछ उनकी तरफ से ही होगा, लड़के वाले कुछ भी नहीं करेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हो, सब कुछ वैसा होगा। लेकिन मिस्टर मालवीय जी क्योंकि पढ़े लिखे थे, उन्होंने उस चीज का यूज करके कहा अपने घर पे कि ऐसा नहीं है, हम दोनों इक्वली पार्टीशन करेंगे। पर क्योंकि होता है फैमिली तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे मनाना था अपनी फैमिली को भी क्योंकि वो मान, तो मैं भी थोड़ा झुक गई, मैंने भी दीज कहा ठीक है थोड़ी बहुत चीजें मान सकते हैं, उनका सम्मान करने के लिए हमने भी बहुत सी चीजें, हम हर एक चीज डिटेल में नहीं बता सकते, तो फैमिली को मिलाया। और फिर मालवीय जी और हमने मिलके एक फ्लैट बुक किया था, हमने शायद हमारे फ्रेंड से उधार भी लिया था, ये हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है कि मैंने भी हेल्प की थी, बट हम दोनों की सेविंग जो जॉब करती थी। हाँ मैं एमटेक मैंने गेट के थ्रू किया था, तो मुझे स्टाइफंड मिलता था, वो पूरा सेव था। एक दोस्त हमने कार्बन हेयर लिए थे, हमने सेविंग से वो करके हमने घर बुक कर दिया था, जिसमें जिया जी इसके जो दीदी जिया जी देखे आए थे, ठीक है ये सितंबर अक्टूबर आ चुका था, अक्टूबर नवंबर आ चुका था। और मतलब मुझे पता चल गया था कि वो लोग इतना एडवांस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि दुल्हन जैसे आजकल होता है कपड़े खरीदने में, गहने खरीदने में ब्राइड जाती साथ में, तो मेरे को कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, मैंने कहा आपको जो सही लगे आप खुद खरीद लिए, खरीदने हो गहने तो खरीदे, नहीं भी खरीदने इट्स ओके। मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे पहले दिन ही शादी कह दिया गया था कि इतनी इतना आपको घूंघट करना है, चूड़ी कंगन सिंदूर हमेशा होना चाहिए, हमेशा साड़ी पहननी है, इतने घूंघट के साथ। तो मैंने मालवीय जी से बात की, क्योंकि सिर्फ हाँ कह देना सही नहीं है, इन्हें कहा मम्मी पापा अभी तो साथ में रहते नहीं, वो मंथ में एक या दो बार आएंगे, तो मैंने कहा इट्स ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हमारी संस्कृति है, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ। ये सब मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मिस्टर मालवीय जी ने मुझसे कहा था कि इनकी मम्मी मेरी मम्मी से भी ज्यादा मुझे प्यार देंगी, तो मैं सिर्फ प्यार चाहती थी इनसे और इनकी फैमिली से, इसलिए मैंने इनकी सारी बातें मान ली थी। क्योंकि और 14-15 तक मेरा वेट थोड़ा बढ़ने लगा था PCOD का ना, तो ये भी सच है, शायद मिस्टर मालवीय नहीं बताना चाहते, इनके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा था कि मत शादी कर, तुझे इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, इनके साइड से मना किया गया था। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमारे जो रिश्तेदार या दूर के लोग होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं जो बोलेंगे कि मत कर, या वो ऐसी दिखती है ऐसी है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लव मैरिज, पढ़ी लिखी लड़की ऐसी होती है वैसी। आप ये सब, आपके लिए जो मेन इम्पोर्टेंट है आपके पेरेंट्स या भाई बहन, आप उनसे डिस्कस कीजिए, अगर वो मना करते हैं तो उनकी बात सुनिए, लेकिन इन रिश्तेदारों की बातें उनके दिमाग में अपने दिमाग में कभी इफेक्ट मत करने दीजिए, ये लाइफ टाइम का प्रोसेस है उनका। इनके यहाँ से भी इवन शादी के मंडप में भी कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ आग लगाने की कोशिश की, लोग अलग अलग क्या आया दहेज में, किसने क्या दिया, लड़के वालों ने क्या दिया, ये सब चीजें करते हैं, तो ये सब आज के जमाने में बिल्कुल भी मैटर नहीं करना चाहिए, मेरा यही सोचना है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस मत दीजिए। तो दोस्तों ये 21 अप्रैल की डेट हुई और हमारी शादी हुई। फिर देखो
जो अलग अलग बैकग्राउंड जो फैमिली बैकग्राउंड की बात प्रॉब्लम्स आई मैं बोलूं, हाँ बोलो मैं इसे 21 अप्रैल की डेट हमें फाइनल हुई, फिर धीरे धीरे जो रिचुअल्स की डेट आने लगती है तो उन डेटों में भी क्या हुआ है, दोनों फैमिली की तरफ से जो जो कल्चर ही अलग है, मतलब कि वहाँ का कल्चर अलग है, जो रिचुअल्स होते हैं वो भी अलग हैं, तो उसमें भी लेके मन मुटाव, मतलब कि जो होता है मोस्टली शादी में होता है। टू स्टेज देखी होगी, बहुत प्रॉब्लम आई हम लोगों को, और होती है, आप अगर एक ही उसमें भी करते हैं ना, एक ही समाज में भी करते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है कि उसने ये नहीं रखा, उसने वो नहीं रखा, उसने ये नहीं करना था, टीका नहीं लगा, ये नहीं लगाया, गर्मी में, इवन ये भी था कि आप गर्मी में क्यों कर रहे हो, हमें ठंड में करनी है। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिरी दिन जब बारात जाने वाली थी मेरे दिमाग में इतना टेंशन था और मेरा मन था कि नहीं करूँ, क्योंकि मुझे ही सुनना पड़ रहा था, अगर यहाँ की तरफ से अगर किसी ने स्वागत सत्कार में कभी देर हुई या कुछ कम हुआ तो सब आके मुझे चढ़ते थे, क्योंकि मेरी पसंद थी वो, अगर वो लोग पसंद करते तो मेरे दिमाग में इतना सारा प्रेशर था कि यार मैं करके आ रहा हूँ, मैं शादी करूँ तमाशा करूँ, हर आदमी हर दूसरा आदमी मुझे आके बोले कि नहीं यार उनने तो अच्छा किया ही नहीं, उनने तो साड़ी कम दे दी, हैवी नहीं दी, पतली नहीं दी, मोटी नहीं दी, खाने में ये नहीं था वो नहीं था, तो मेरा तो सही बताऊं तो आखिरी समय तक मुझे लग रहा था कि मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा शादी यार, तो मुझे एक दोस्त ने, नीरज करके दोस्त है, उसने समझाया कि देख यार तुम दोनों को आखिर में रहना क्योंकि है। जब मेरा गोद भराई के लिए इनके यहाँ से आए थे तो वो भी इनकी तरफ से आए थे, वो इनके फ्रेंड है, बट वो तीसरा बंदा था इसलिए उसने वो सिचुएशन समझी, जब उन्होंने इनसे बात की उन्होंने इसको समझाया कि किसी चीज की कमी नहीं थी और दोनों का कल्चर अलग है, बंदी के पापा नहीं है, उस हिसाब से उन्होंने बहुत किया, और कहने वाले तो अंबानी की शादी को भी बुरा ही कहेंगे। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो आप अगर एक कास्ट में करते तो भी वो होता है, आपको गुलाब जामुन नहीं पसंद है, आप आइसक्रीम का वेट कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि शादी बुरी है। तो फिर मुझे यही समझ में आया कि देखो हम दोनों को रहना है, हम दोनों के तो मेन वो रिश्तेदार आए वो चले जाएंगे, वो तो हमेशा बुरा कहेंगे अच्छा कहेंगे, सभी प्रकार के लोग होते हैं, तो मेरे दिमाग में दोस्त ने समझाया कि नहीं भाई कर, तेरी लड़की जो बंदी है तुझे परफेक्ट है तेरे लिए, तुझे इससे अच्छी मिलेगी नहीं, तो मैं फिर तब जाके मन मनाया उस बारात जाने से एक रात पहले, मतलब दिमाग में बहुत खराब खतरनाक चल रहे थे, और रचना उधर बहुत खुशी थी उसको, तो मैंने अपनी लाइफ मतलब शादी बहुत एंजॉय की क्योंकि मेरी पसंद से हो रही थी और सब कुछ अच्छा था, मेरी दीदी जी ने भैया भाभी सबने संभाल लिया था, मम्मी ने सबने, और मेरी जो कजिन सिस्टर्स हैं वो भी बहुत खुशी से आई थी, उन्होंने मेरी शादी में पूरी हेल्प की दिल से, बुआ मेरे रिश्तेदारों से मुझे किसी से शिकायत नहीं हुई, सबने बहुत अच्छे से मन से तैयारी की, तो मैं सिर्फ इंजॉय करी थी। मैं आपको डांस वीडियो दिखाती हूँ, इतना डांस किया मैंने, मुझे रोकना पड़ रहा था, लोग मुझे रोक रहे थे अपनी शादी की वीडियो, मैं बहुत खुश थी। तो फिर शादी हुई और मैं उस टाइम ब्लेस थी कि मेरे रिश्तेदार मेरा परिवार बहुत अच्छा, पर मैं नहीं था नहीं मुझे नहीं, मुझे जो हमारे लड़कों वालों में जो था ना कि लड़की वालों ने आदर सत्कार, अरे रोज की दिक्कत थी यार, रोज चिक 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 वो करने वाला, मैं अकेला, मैं तो सिर्फ पजल हो गया था यार, शादी की रात को भी चिक चिक हुई, घर आई तब भी चिक, मेरा तो मगर ये कि चलो काफी लोगों ने साथ भी दिया, ऐसा नहीं कि सभी ने बोला, काफी लोगों ने बहुत साथ दिया, अभी भी देते हैं, तो उनका हम थैंक यू इस वीडियो के माध्यम से भी थैंक यू कह देते हैं, है ना, जीजी जिया जी को स्पेशली, मेरे दोस्त को, नीरज को, है ना, बाकी प्रॉब्लम देखो बाकी प्रॉब्लम तो कॉमन है सबके साथ आती होती होगी, हम कह रहे हैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एक कास्ट में करते हैं तब भी लड़का लड़की तब भी थोड़ी बहुत होती है, तो मनाने का टाइम बहुत अजीब था, डर मनाए थे हमने वो शॉर्ट में बता दिया, मगर मम्मी को कई बार मिलने में गया गाँव, समझाने गया और मनाया, इससे अच्छी नहीं मिली, बैठ के हम डिस्कस करते थे हम फ्लैट कैसे खरीदेंगे, क्या बजटिंग होगी, कैसे फाइनेंस, अभी भी वो डायरी नोट्स हैं हमारे पास, क्योंकि मेरे यहाँ से सिर्फ यही शर्त थी, है ना, फिर उसमें कितना कहाँ से निकलेगा, कितना फंड है शादी में कितना, क्योंकि मुझे लगता है आप भी अगर करना चाहते हैं इंटरकास्ट लव मैरिज तो सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े होइए, हम और अच्छा करियर में शायद कर सकते थे, मैं जो भी रीजन ना कर भोपाल में आके अपने आप को जॉब करी, तो आप सबसे पहले अपने आप अपना करियर बनाइए, दोनों लड़का लड़की दोनों अपना करियर एस्टेब्लिश कीजिए, फिर अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि हमारी कंपेटेबिलिटी मिलती है, उनसे पूछिए उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हमारे केस में था मेरी दीदी का घर होना चाहिए एक बंदे के पास, तो उस चीज को सेट और सॉर्ट आउट करने की मैंने कोशिश अपनी मम्मी को ये समझाया कि देखो जॉब करती है और अपने समाज में जॉब करने वाली मिल तो जाएगी, फिर वो क्या मुझसे शादी करेगी, मेरी कौन सी बहुत अच्छी जॉब है, तो मनाया मान गए ठीक है,
तो वो आज हम हैप्पीली मैरिड और आज भी मेरे जो फादर इन लॉ है वो आते हैं घर में या मैं गांव जाती हूँ तो मैं साड़ी वापिस रचना का अलग ही मैं सब कुछ पहनती हूँ। मम्मी नानी साहब उन तक भी पहनती थी। डिलीवरी के इस बार मैंने थोड़ा मम्मी के सामने कम किया, अदरवाइज पापा के सामने मैं आज भी गाँव के कोई भी आते हैं मैं वैसे ही रहती हूँ। मैंने अपना वजन निभाया, इनने भी निभाया। तो दोस्तों ये थी हमारी अभी तक की, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों ये तक था हमारा लव स्टोरी, यहाँ पे हमारी लव स्टोरी खत्म नहीं हुई, लव स्टोरी तो यही है, सिर्फ शादी हुई। जब तक पूरी ना हे मांग तेरी लगा दूं। तो अब हम दोनों ने रहना शुरू किया था, फिर हम हनीमून पे गए मनाली शिमला। रहने के बाद भी बेटा बहुत प्रॉब्लम आती है अपने घर में, तो हम पानी का ग्लास नहीं उठाते वहां जाके, जब छोटा देवर परिवार जब आता है ना तो फिर। अब बस एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग हमारी शादी की वीडियो देखना चाहते हैं, वेडिंग वीडियो देखना चाहते हैं जिसपे हम उस वीडियो के ऊपर कॉमेंट्री करें कॉमेडी वे में रोस्टिंग वे में, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। यस वेडिंग वीडियो प्लीज, हम भी देखना चाहते हैं, हमने बहुत दिन से नहीं देखी तो हम भी देख लेंगे। आपका मुझे भी शौक है तो हमारी शादी की वीडियो एक हॉरर मूवी है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो प्लीज लिख के बताइए यस वेडिंग वीडियो जल्द से जल्द अपलोड और हनीमून वाली जो मतलब। चलो वीडियो यही एंड करते हैं, वेडिंग वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ये पार्ट आपको कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और हमारे ब्लॉग भी देखिए और उसमें सजेशन आप दे रहे हैं, हम वो कर भी रहे हैं, आपको सजेशन दीजिए हम क्या अच्छा करें। तो दोस्तों बाय, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।